हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स होती है ना, वो फीचर स्निपेट में कन्वर्ट होती है, ना ही उनकी इमेजेस रैंक होते हैं और ना ही उनके पोस्ट इंडेक्स होते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो टेक्निकल एसईओ पर्सपेक्टिव से वो अपनी साइट पे करते हैं, वो एक तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप वेरी कॉशियस हो जाएंगे और आपको पता रहेगा कि क्यों आपकी साइट का पर्टिकुलर एरिया इंडेक्स नहीं हो रहा है। जी गाइस, आज हम बात करने वाले दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, robots.txt फाइल होती क्या है, कैसे चेक किया जाता है, कैसे इसको एडिट किया जाता है और मेटा टैग क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ब्लॉगर हैं, एक वेबसाइट आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस कंटेंट को लाइक कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस ऑसम वीडियो जो कि बहुत सारे लोग पेड कोर्सेस में आपको बताते हैं। तो चले गाइस, चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो गाइस, मैं हूं मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं, आपको सिंपली bloggingwise.com की साइट पे जाना है। अगर आप 9-day फ्री ब्लॉगिंग सीरीज के लिए, पहले तो आपको इसको अलाउ करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, 9-day फ्री ब्लॉगिंग सीरीज के लिए आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी हेल्प से आपको 9 days तक फ्री ब्लॉगिंग की PDF सेंड की जाएगी, देन यू कैन लर्न इजिली। सो गाइस, हमारी साइट पे हम बहुत सारे पोस्ट ऐसे पब्लिश करते हैं, राइट? ये जो पोस्ट पब्लिश किया जाता है वो इंडेक्स होते हैं या नहीं होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो गाइस हम कैसे करते हैं, जैसे कि ये हमारा पोस्ट है, इसको आपको कॉपी करना है, गूगल के अंदर जाना है और सिंपली वहां पर आपको साइट टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर साइट टाइप किया, कॉलम पेस्ट किया और सिंपली सर्च। जैसे अगर आपने सर्च किया, अगर आपका पोस्ट यहाँ पे आ चुका है इन सर्च रिजल्ट, दैट मींस कि आपका पोस्ट इंडेक्स हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एरर्स आती है, वो एरर्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि इमेजिन कीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, एक इनवैलिड URL, जबकि आपकी URL वैलिड है तब भी आपको इस टाइप के एरर आती है, क्योंकि आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं होता और बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है। उसका गाइस सबसे बड़ा जो रीजन होता है गाइस, वो होती है आपकी robots.txt फाइल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारी बेसिक तरीके से क्या होता है robots.txt और इसको कैसे यूज किया जाता है। इसको समझने के लिए गाइस सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, और वो ये होता है कि गूगल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन है जैसे कि बिंग हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, इनके स्पाइडर होते हैं जिसको क्राउलर बोला जाता है। ये बॉट अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट करता है। जैसे कि ये बॉट आया, वो आपकी वेबसाइट की तरफ आया, इसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, विजिट करने के बाद में इस बॉट को हम कुछ कमांड है जो हमारी से दे सकते हैं, और वो सारे के सारे कमांड हमारी robots.txt, robots s लगाना है, .txt फाइल में स्टोर रहते हैं। अगर इस फाइल में हमने इस बॉट को कमांड देके रखा है कि भाई जा इस पर्टिकुलर पोस्ट को तू इंडेक्स कर, तभी गूगल और कोई भी सर्च इंजन होगा वो आपकी साइट को इंडेक्स करेगा। लेकिन अगर आपने आपकी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इस क्राउलर को कमांड देके रखा है कि डू नॉट इंडेक्स दिस पर्टिकुलर साइट, मेरी साइट को फीचर स्निपेट में मत कन्वर्ट कर, मेरी साइट को इमेजेस में मत ऐड कर, तो वो बॉट आपकी साइट को वैसे ही करेगा, एक्चुअली वो उसको इंडेक्स करेगा ही नहीं, एक्चुअली वो उसकी इमेजेस को रैंक करेगा ही नहीं। तो गाइस ये सारा कमांड जो एक क्राउलर को दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल क्या, इंसान थोड़ी ना, वो तो बॉट है, तो उस बॉट को जो भी आप कमांड देते हैं वो सारे कमांड आपके robots.txt फाइल में होते हैं। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू था robots.txt फाइल होता क्या है। अभी बात करेंगे कि आपकी robots.txt फाइल है क्या और आपने क्या कमांड देके रखा है। ये जानने के लिए गाइस मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि robots.txt फाइल को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो गाइस आपको क्या करना है, जैसे कि चलिए मैं वापस जाता हूं bloggingwise.com की साइट में, आपको आपकी साइट का डोमेन लिखना है, पूरा डोमेन, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा करके आपको यहां पर टाइप करना है robots.txt। जैसे ही आप इसको टाइप करके हिट करते हैं गाइस, तो ये है आपकी robots.txt फाइल का डेटा, जिसमें पहले लेटर का या पहला जो वर्ड है उसका मीनिंग समझाऊंगा। ये होता है यूजर एजेंट, मतलब कि क्राउलर, जैसे कि गूगल एक क्राउलर है, याहू एक क्राउलर है, बिंग का एक अपना क्राउलर है। तो मैंने अगर स्टार लिख लिया, मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी bloggingwise.com की साइट को कोई सा भी किसी भी सर्च इंजन का क्राउलर आके विजिट कर सकता है, आई डोंट हैव एनी इशू। सेकंड गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये उन लोगों के लिए जिनका सर्वर बहुत ही लो स्पीड का होता है, बहुत ही लो वैल्यू का होता है, तो यहां पर आप क्राउलर को बोल सकते हैं कि भाई मेरी साइट को एवरी 20 सेकंड में एक बार विजिट करना। नहीं तो क्या होता है कि क्राउलर आपकी साइट को कंटिन्यूअसली विजिट करता है जब उनको सही लगता है, और उस केस के अंदर आपकी साइट की सर्वर स्पीड डाउन हो जाती है। एक तरफ ऑलरेडी यूजर एक्सेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्राउलर एक ही सेकंड के अंदर 50 से 1000 जो भी है उतनी रिक्वेस्ट फाइल कर रहा है, तो आपका सर्वर क्राउलर को रिस्पॉन्स देने में बिजी हो जाएगा और आपके यूजर
यूजर को एक्चुअल सर्वर स्पीड नहीं मिलेगी, आपकी पेज डाउन हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये डिले आप कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखें। अगर आप रैंक मैच जैसे प्लगइन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 20 ऐड कर देता है, तो मेक श्योर कीजिएगा इसका मीनिंग ये है। तीसरा गाइस, आपका जो साइट मैप होता है हमेशा क्राउलर में ऐड करके रखिए, सॉरी robots.txt में ऐड करके रखिए, ताकि वो जो क्राउलर होता है उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि आपकी साइट का कौन सा एरिया विजिट करना है और कौन सा नहीं करना है। इसके बाद बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बेसिक तीन चीजें आपकी साइट में डेफिनेटली होनी चाहिए। चलिए, अगर आपकी साइट पर बहुत ही ज्यादा डिटेल होगी तो कैसा दिखेगा गाइस, उसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं यूजर एजेंट। सो यहां पर यूजर एजेंट मैंने बोला कि सारे के सारे क्राउलरों को मैं अलाउ करता हूं, जैसे कि सैमरस का टूल है, एचरेप का टूल है, बिंग है, याहू है, सबका अपना अपना क्राउलर है, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक robots.txt फाइल है जहां पे बोला गया है कि सैमरस का यूजर एजेंट को मैं अलाउ करता हूं मेरी साइट को पूरा का पूरा विजिट करें। फॉरवर्ड स्लैश कुछ नहीं लिखा, मतलब पूरा का पूरा अलाउ करता हूं। सैमरस का जो SI बॉट है उसको मैं अलाउ करता हूं आपकी पूरी साइट को विजिट करने का, लेकिन याहू पाइप्स के नाम से जो बॉट है उसको मैं डिसअलाउ करता हूं कि मेरी किसी भी साइट के किसी भी पेजेस को विजिट ना करें। तो गाइस, इस तरीके से आप उनको अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। हमारे केस में हम चाहते हैं कि सारे सर्च इंजन के जितने भी क्राउलर्स हैं वो हमारी साइट को क्राउल करें, विजिट करें। अभी आप बोलोगे कि गाइस ऐसा क्यों करना, हमें किसी क्राउलर को क्यों ब्लॉक करना। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती है जो बैकएंड में काम करती है, मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उसका डेटा है। ये साइट्स ऑफिशियली एट द बैकएंड काम करती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि हमारी साइट कहीं से गूगल कैच करे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही उसी पर रिलाय होता है। वो क्या करते हैं, मैन्युअली यूजर पे पेजेस पे क्लिक करके उसको अपरैंक करता है, तो वो नहीं चाहते कि गूगल उनकी साइट को आइडेंटिफाई करें, तो वो डिसअलाउ करते हैं गूगल बॉट को। तो ये जो यूजर एजेंट है, जैसे कि गूगल बॉट, गूगल के क्राउलर का जो यूजर एजेंट नेम है वो गूगल बॉट है, याहू का याहू है, बिंग का बिंग एड है। तो गाइस, इस तरीके से इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो आपको ऐसे ही आइदर यूजर एजेंट यूज करने हैं और साथ में अलाउ और डिसअलाउ के टैग्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि हम क्राउलर को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया तू विजिट कर और ये पर्टिकुलर एरिया तू विजिट मत कर। सो आई होप कि गाइस आपको यहाँ पे robots.txt फाइल का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अभी बात करते हैं, अगर आपको robots.txt फाइल में चेंजेस करना है या फिर कुछ ऐड करना है या कुछ अपडेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल से चीजें गाइस, आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। या तो आप कोई SEO प्लगइन यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो पोस्ट है उसको एडिट मोड में ओपन करना है, या फिर एडिट नहीं कह सकते, आपका जो पोस्ट है उसमें जो प्लगइन है रैंक मैथ का, उसके जनरल सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे आप इसके जनरल सेटिंग के अंदर जाते हैं गाइस, आपको वहां पे बहुत सारे डेटा दिखेंगे, जिसमें से edit robots.txt होगा, और यहां से आप जो भी चेंजेस करेंगे वो यहां पे सेव चेंज पे आपको क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि वो यहां पे डेटा ऐड कर देते हैं और वो देखते हैं कि अभी भी हमारी साइट पे ये डेटा एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक पेरेंट फाइल होती है, और वो जो पेरेंट फाइल होती है वो आपके सी पैनल में होती है। उसको कैसे एक्सेस किया जाता है गाइस, जैसे कि मैं A2 होस्टिंग यूज करता हूं, आपको सी पैनल पे जाना है। जैसे सी पैनल पे जाते हैं गाइस, आपको यहां पे फाइल मैनेजर, आपकी जो फाइल्स उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपके बैकएंड में आ जाते हैं, जहां पर यहां पर पूरी की पूरी फाइल रहती हैं। तो गाइस यहां पे क्या होता है, ये आपकी होम डायरेक्टरी, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर एक फाइल होती है .html। तो बेसिकली आपको इसको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी साइट्स यहाँ पे दिखाई जाती है, जो जो भी साइट्स आपके सी पैनल में इंस्टॉल हैं। अभी हम लॉगिंग वाइज की बात करेंगे तो आपको सिंपली साइट पे क्लिक करना है, तो उस साइट के बैकएंड में जो भी फाइल्स है वो वहां पे डिस्प्ले होती है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्रूशियल स्टेप होता है, यहाँ पे कुछ भी अगर आपने मिस्टेक किया तो आपकी साइट पे इंपैक्ट आ सकता है। इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पे robots.txt या robots.txt की फाइल दिखेगी, उसको सिंपली क्लिक करके एडिट मोड में जाना है। ओके, यहाँ पर एक वार्निंग आती है आपको, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया होता है, सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है, देन बूम यू विल बी एट द बैक एंड। सिंपली यहाँ पे भी एडिट करके आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का कैसा होता है कि उन्होंने यहाँ से किसी चीज को कंट्रोल करके रखा है, और अगर वो रैंक में जैसे प्लगइन के इस वाले पर्टिकुलर एरिया में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमेशा हमेशा क्राउलर या फिर आपकी वेबसाइट यहाँ पे जो डेटा एंट्री है उस पर ही बिहेव करेगा। तो ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिनकी साइट या जिनके पेजेस रैंक नहीं होते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसको आप अलाउ, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ का मतलब क्या, आपकी वेबसाइट में जो सेक्शन है ब्लॉग का या फिर आपकी कैटेगरी है उसके सारे पोस्ट को
कोई भी क्राउलर या ट्विटर का बॉट है वो एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे अलाउ किया गया है। आपकी साइट का ये पर्टिकुलर एरिया उसके जितने भी पोस्ट है वो अलाउ है, मतलब उसको ये क्राउलर एक्सेस कर सकता है। तो सिमिलरली अलाउ और डिसअलाउ लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर साइट का एरिया इंडेक्स करना है या नहीं करना है ये कमांड क्राउलर को दिया जाता है। सो गाइज ये वो सेक्शन है, और दूसरा आप चाहे तो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ से आप आपकी साइट मैप या जो भी कहे आपकी robots.txt फाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे एक डेटा क्लियर हो गया। तो अगर robots.txt फाइल का फंडा ये है, तो ये मेटा टैग क्या होता है और मेटा टैग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो गाइस उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, आपकी साइट का जो पोस्ट है उसको आपको एडिटर मोड में ओपन करना है। इसके बाद जो रैंक मैप का प्लगइन है उसके एडवांस सेक्शन में आना है। तो गाइस ये होता है रोबोट्स मेटा टैग, मतलब यहां पर हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्राउलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई वो तो मेरी साइट का ओवरऑल है मेटा टैग, या फिर ओवरऑल है कि तुझे क्या क्राउल करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या आपको इंडेक्स करना है इस पर्टिकुलर पोस्ट को या नहीं करना है, ये कमांड आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई पोस्ट है उसको इंडेक्स नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पे नो इंडेक्स पे सेट कीजिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको इंडेक्स ही रहेगा क्योंकि हम हर कोई पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं। तो इन चार पांच का मीनिंग में समझा देता हूं। इंडेक्स मतलब सब कुछ इंडेक्स होना चाहिए इस पर्टिकुलर साइट का या पर्टिकुलर पोस्ट का। नो इंडेक्स मतलब इसको इंडेक्स नहीं करना है। नो फॉलो मतलब इस पोस्ट के अंदर जो जो भी लिंक्स है, मतलब इंडेक्स तो करने का लेकिन इसमें जो जो भी लिंक्स है वो सारी की सारी लिंक्स को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो सारे के सारे मेरी तरफ से नो फॉलो है। और आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स के बजाय नो इंडेक्स पे करूंगा तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, राइट? लेकिन इंडेक्स और इस पे करूंगा तो एक साथ साथ जाता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स करना नहीं करना एक कॉम्बिनेशन है, इंडेक्स तो कर दो लेकिन उसके अंदर जो लिंक है उसको फॉलो मत करना, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, उसको नो फॉलो। नो आर्काइव मतलब हमारे इस पेजेस का कोई भी डेटा कैप्चर करके ऐसा पास्ट का डेटा मत दिखाना, तो आर्काइव मत करना, राइट? इमेज इंडेक्स मेरी साइट का कोई भी इमेज, जो गूगल का जो इमेज सर्च होता है या फिर इमेज रैंकिंग होता है वहां पे ऐड मत करना। और नो स्निपेट मतलब मेरी साइट को कभी भी फीचर स्निपेट में कन्वर्ट मत करना। तो गाइस ये होता है रोबोट मेटा टैग और वो होता है robots.txt। ये सबसे पावरफुल होता है आपकी पूरी साइट के कंट्रोल के लिए, और ये सेकंड प्रायोरिटी होता है इंडिविजुअल पोस्ट और कंटेंट को रैंक और डी रैंक करने के लिए। सो गाइस अगर आपकी साइट पे कोई पोस्ट है, कोई पेजेस है जो रैंक नहीं हो रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा एडवांस में आकर यहां पर ऑप्शन इंडेक्स होना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैं सवाल और इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन से दे रहा हूं। तो गाइस आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत से लोगों के आंसर्स नहीं देता हूं, वजह यही होती है आई एम गेटिंग आउट द रिजल्ट्स, लोगों की क्वेरीज क्या है उस पर डिटेल वीडियो बनाता हूं, ताकि एक नहीं हजार लोगों की परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड गाइस आप और जानना चाहते हैं, तो मेरी bloggingwise.com की साइट पे आइए। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, एक मास्टर ब्लॉग है 15,000 वर्ड्स से भी ज्यादा, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको रीड कीजिए और ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं 9 दिन तक आपके ईमेल बॉक्स तक पहुंच सकूं। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये डिटेल वीडियो था जहां पर मैंने ट्राई किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और बहुत ही बड़ा सरप्राइज अभी हमारे मिस्टर व्यास के चैनल पे आने वाला है और कहीं और भी आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर वन, एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।